कैसा लग रहा हूँ जरा बताना मुझे। गाइस मैं तो हुने हुने के अपना बंदा बदलना है और कोई आसान या सस्ता या बंदा लगे तो मैंने जरूर दसना। नहीं पवे वो मेरा खर्चा चुके जो बाजार लगते ने बने देखे मां की कर रही है अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली की हाल चाल ठीक ठाक हो ठीक रहती है खुश रहते जे मामा यंडा ओ धी रानी कपड़े धो रही है ओ देखो कपड़े धो रही कपड़े नु मार रही है बहुत पटाई कर रही तो कपड़ा होगी तो मां वेखो ऐ वेखो भाई मैं बीमार पता नहीं शुगर लो है के बीपी लो है के की है मेरे सिर नु दर्द है मेरी जान नु आई के मैं अपना मुझे तंग कर रही मैंने अपना बैग धोना है अपना बैग धोना है मैंने कहा चलो बैग धो लो उसके अंदर ना अपना जो स्कार्फ और सॉक्स है ना वो भिगो के रख दो मैं उठूंगी ना तो फिर उठ के ना मैं बाद में करती हूँ लेकिन उस लड़की को मेरी समझ ही नहीं आ रही और वो कहती नहीं मैंने धोने हैं तो अभी मुझे कह रही है ऐसी माएँ होती हैं ओ मामा यांडा है ये मामा यांडा ये ऐसे ही तंग करती है मुझे मामा यांडा के फादर है ना कसम से ये मामा यांडा जैसे निकम्मे हैं दोनों निकम्मे हैं ये नहीं बुराई मेरी हस्बैंड भी और बेटी वॉक के बाद अब मैं घर वापस जा रही हूँ मुझे पसीना आ गया 10 से 15 मिनट हो गए मुझे वॉक करते हुए बहुत लंबा राउंड लगाया मैंने मैं कहा चलो अब हो जाए वॉक तो चले आपसे घर जाके मिलती हूँ आपने साथ रहना है वीडियो को फुल वॉच करना चैनल को सब्सक्राइब जितनी भी माँ को कॉपी कर लेना बेटी के फिर भी माँ माई हो नहीं देखो इसको इतना नहीं पता कि मैंने अपने कुर्ते के बटन भी बंद कर दिए बस मेरी कॉपी की फटाफट टावल उतारा हो ये देख क्या इसके काम टाई वाल ने होना तो डिग पैन क्यों कह रहे टाई वाल ने मेरे डिग पैन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली क्या हाल है जी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ काफ़ी बेहतर हो चुकी हूँ शुक्र है अल्लाह पाक का और जैसे भी अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले फ्रिया मेरी नकलें कर रही थी जिस तरह मैं बालों को कवर कर रही थी उसी तरह फ्रिया भी कर रही थी तो अभी फ्रिया यहाँ पर बैठ गई जी अपना होमवर्क करने के लिए क्योंकि इसके ट्यूशन का टाइम होने वाला है और हस्बैंड जी यहाँ पर क्या कर रहे हो जी तुसी तुसी क्या कर रहे हो कोशिश कर रहे और इन्होंने अभी लंच किया तो ये चाय जुम्मा तो आप सबको हमारी तरफ से क्या आ जाए जुम्मा मुबारक नमाज जोहर की और कुरान शरीफ पढ़ेंगे तस्बीह वगैरह करेंगे तो मैंने कहा उससे पहले ना अपनी यूट्यूब फैमिली से सलाम दुआ हो जाए अगर इस व्लॉग में कुछ और अच्छा मिला तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे वरना फ़िलहाल अभी जो जितनी रूटीन थी सुबह फ्रिया को स्कूल छोड़ने की फिर मेरी जो ड्यूटी चल रही वो करने की अभी यहाँ पर बर्तन मेरे धोने वाले पास मैं अभी बर्तन धोने लगी क्योंकि मैंने अभी लंच रेडी किया था तो मैंने कहा पहले मैं नहा लूँ क्योंकि फिर लेट ना हो जाए ताकि कर्म से और आप सबकी दुआओं से मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है शुक्र है मेरी स्टार्ट हुई है शुगर ठीक है तो मैं नहीं चाहती कि मुझे आगे शुगर हो तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि यही मैं स्टार्टिंग में इसको कवर करूँ और इस बीमारी को खत्म करूँ इससे फाइट करूँ ना कि हिम्मत आ रूँ तकरीबन ये 20-25 दिन हो गए कि मेरे बिस्तर पर ही गुजरे हैं कभी मेरा बीपी हाई कभी मेरी शुगर आई और मेरा जिस्म एकदम ठंडा हो जाता था सर मेरा सुन हो जाता था किसी से बात करने को दिल नहीं करता आंखें ही नहीं खुलती थी सो ही रहती थी तो बस कुछ इस तरह की मेरी कंडीशन चल रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मुबारक दिन के सदके जुमे के दिन के सदके अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया और आज के दिन में बिल्कुल मुझे कुछ नहीं हुआ सुबह से जब से उठी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो ये आप सबकी दुआएं आप सबका प्यार है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे ख्वाबों का महल वो घर जो मैं जब भी गुजरती हूँ वहाँ से तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह ये घर एक दिन मेरा होगा तो वो तभी मुमकिन है वो घर जब आप लोगों की सपोर्ट रहेगी आप लोगों का प्यार रहेगा तो आप लोगों की सपोर्ट हमें किस तरह चाहिए होती है हम व्लॉगरों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट किया कि मुझे भूख लग रही लंच का टाइम हो रहा
बाद में एक साथ ही फिर मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँ, यही एंड करूंगी। और जो हमारी सुबह सुबह की रूटीन थी वो आपके साथ शेयर होगी, दोपहर तक हमारी रूटीन आपके साथ शेयर होगी। तो लंच वगैरह मैंने आपको नहीं दिखाया, बाकी हमने नाना धोना ये वो कर लिया जी। तो फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।